शर्लिन चोपड़ा ने फिर शिल्पा शेट्टी पर साधा निशाना, कहा की दुनिया से बाहर निकलिए। शर्लिन चोपड़ा ने एक नए ट्विटर पोस्ट में एक बार फिर शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने हाल ही में दिए एक वीडियो इंटरव्यू से एक क्लिप शेयर कर शिल्पा से वास्तविक दुनिया में भी बदलाव लाने के लिए कहा। शर्लिन चोपड़ा ने अपने ट्वीट में शिल्पा और उनके पति राज कुंद्रा को टैग करते हुए लिखा, आप टीवी पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हैं उन कलाकारों को जिनकी कला से आप प्रभावित होती हैं। कृपया रियल लाइफ से बाहर निकलकर रियल दुनिया में जाकर पीड़ित महिलाओं को थोड़ी बहुत सहानुभूति दिखाएं। यकीन मानिए, सारी दुनिया आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगी। शर्लिन चोपड़ा ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो अपना इंटरव्यू का वीडियो क्लिप शेयर किया है, उसमें वो कह रही है, खुद के लिए बंगला बनाना, खुद के लिए गाड़ी खरीदना अच्छा है एक हद तक, लेकिन गाड़ी बंगला खरीदने के बाद क्या बनाए? नहीं, मंच पर जाकर बैठकर साष्टांग प्रणाम करना, रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में बात करना बहुत आसान होता है। आप रियल लाइफ में कुछ कीजिए, अपने बंगले से बाहर निकलकर कुछ कीजिए, की दुनिया से बाहर निकलकर कुछ कीजिए, फिर देखिए सारी दुनिया आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करेगी। आपको बता दें कि शिल्पा शेट्टी ने अपने रियलिटी शो सुपर डांसर चैप्टर 4 में कई बार कंटेस्टेंट्स के परफॉर्मेंस को साष्टांग दंडवत प्रणाम कहकर सराहा है। उनकी यही बात को शर्लिन ने नोटिस कर उन्हें ताना मारा है। अश्लील वीडियोस के केस में राज कुंद्रा के खिलाफ बयान देने से लेकर शिल्पा शेट्टी पर निशाना साधने तक शर्लिन हमेशा अपनी बात बेबाकी से रखती आई है। कुछ समय पहले राज कुंद्रा को लेकर शिल्पा शेट्टी के एक बयान पर शर्लिन ने शिल्पा की खिल्ली उड़ाई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीदी का ये कहना है कि उन्हें अपने पतिदेव के नेफेरियस एक्टिविटीज के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, और तो और दीदी का ये भी कहना है कि उनके पतिदेव की चल अचल संपत्ति के स्रोत की जानकारी भी उन्हें नहीं थी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है इसका अनुमान आप खुद लगा सकते हैं। वैसे इसे क्या कहते हैं, येड़ा बनकर पेड़ा खाना, है ना? वेल, लगता है राज कुंद्रा की जमानत से सबसे ज्यादा दुख शर्लिन चोपड़ा को हुआ है। खैर, शर्लिन ने शिल्पा शेट्टी को सलाह दी है, क्या उन्होंने सही कहा? आपके क्या रिएक्शंस हैं? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।